नमस्कार दोस्तों, न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल, आप देख रहे हैं खास बात अर्चना कौशल के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे, आपका परिवार भी एकदम स्वस्थ होगा। तो मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे साथ एक नए मुद्दे को लेकर चर्चा करने का भी इंतजार कर रहे होंगे। खैर चलिए, आज एक खास बात आपके साथ करने वाली हूँ। अच्छा लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। सवाल ये कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश से बाहर जाते हैं तो क्या आप एक्साइटेड होते हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मुझे ये लगता है कि बाहर जा रहे हैं प्रधानमंत्री तो क्या बड़ा करने वाले हैं, और मुझे ये भी लगता है कि शायद सभी के जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर होता होगा। तो इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी US में हैं, अमेरिका में हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं। जो बाइडेन से उन्होंने मुलाकात की है, राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है, द्विपक्षीय मुलाकात की, बैठक की है, और दोनों देशों की मित्रता को बढ़ाने के लिए चर्चा हुई है, और आपसी संबंध और क्लोज हो जाएं उसके लिए चर्चा की गई है, वैश्विक स्तर पर चर्चा हुई है, दोनों देशों के बीच कैसे तमाम चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं उसको लेकर रणनीति हुई, और एक हुई है मेगा डील। वो मेगा डील भी आपको बताऊंगी उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो में एंड तक जुड़े रहना होगा, तो वो मैं एंड में बताऊंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में शामिल होने के लिए पहुँचे, उसमें उन्होंने शिरकत की, और उसके बाद ही ये बैठक हुई, चर्चा हुई, तमाम चर्चाओं का दौर चला, और एक बड़ा ऐलान हाल ही में अमेरिका की ओर से किया गया। ऐलान ये था कि भारत क्वाड लीडर होगा। अब जैसे ही ये ऐलान किया गया, मैं बताना भूल गई, क्वाड समिट का मैंने जिक्र किया है। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी, और अगर बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ आपको सबसे पहले कि क्वाड होता क्या है, तभी हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले क्वाड क्या है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की ओर से बनाया गया एक समूह है जो इन देशों के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता का एक मंच प्रदान करता है। ये मुक्त, खुले और समृद्ध प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करता है और इन देशों को एक साथ लाता है। यानी कि सही मायनों में देखा जाए तो इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह है कि इंडो पैसिफिक रूप से चीन की प्रभुत्वता को कम करना है। चीन के प्रभुत्व को कैसे कम किया जाए, ये कोशिश इसके माध्यम से की जा रही है, और यही क्वाड की डेफिनेशन भी है जो मैंने आपको बताया। तो अब कहा यह जा सकता है कि कुल मिलाकर कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि पावर का चेक एंड बैलेंस कैसे हो, ये कोशिश यहां पर की जा रही है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। साथ ही इन देशों के साथ ही उम्मीद ये भी की जा रही है कि कुछ और देश भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, यानी कि इसमें जुड़ सकते हैं। खैर वो भविष्य के गर्त में देखना होगा कौन कौन से देश हैं जो सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल क्वाड का ऐलान अमेरिका ने क्यों किया, जो बाइडेन ने इसका जिक्र क्यों किया, इसके पीछे के कारण क्या है, मीडिया में इसका शोर इतना क्यों है, खासकर भारत के मीडिया में क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है, और भारत ही क्वाड का लीडर बन सकता है ऐसा क्यों कहा, ये सवाल फिर से खड़ा होता है। तो बिल्कुल इसके क्या कारण है वो हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में हैं। अमेरिका से वो वापस आएंगे तो नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे, और इस बार रूस के शहर में यानी कि कजान में ये ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है, और इस सम्मेलन का आयोजन रूस करने जा रहा है, और जिसमें भारत होगा, दक्षिण अफ्रीका भी होगा, ब्राज़ील भी होगा, लेकिन इसी के साथ चीन भी होगा। और जैसे ही चीन इसका हिस्सा बनने वाला है तो टेंशन किसकी बढ़ रही है सबसे ज़्यादा, अमेरिका की। अब पहला कारण क्या हो सकता है, कयास लगाए जा सकते हैं। तो इसका जो पहला कारण निकलकर सामने आता है कि अमेरिका की चिंता क्यों बढ़ गई और उन्होंने क्यों भारत का नाम एक लीडर के तौर पर क्वाड के लिए सामने लाया, तो पहला कारण आपको बताती हूँ। ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स करेंसी R5 लाने सहित कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इस फैसले को लेकर अमेरिका की चिंता बढ़ी हुई है। अगर ब्रिक्स करेंसी का व्यापार में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका सीधा असर अमेरिका डॉलर पर देखने को मिल सकता है। अब अमेरिका डॉलर पर इसका असर पड़ेगा तो यही चिंता कहीं ना कहीं सता रही है। किसे सता रही है? अमेरिका को। तो ये एक बड़ा कारण बन गया। अब दूसरा बड़ा कारण क्या है वो भी समझ लीजिए।
माना ही जा रहा है कि अमेरिका फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में जुटा हुआ है। हाल ही में खालिस्तान समर्थक गुरु पंतवंत पन्नू ने अमेरिका की एक जिला कोर्ट में एक लॉसूट फाइल किया है, जिसमें उसने भारत सरकार पर उसकी हत्या की कोशिश के आरोप लगाए हैं। तो वहीं इस पर अमेरिका की जिला कोर्ट ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को तलब किया है। इसे लेकर भारत और अमेरिका की अब कोशिश ये है कि जो आपस के उनके रिश्ते हैं वो ना बिगड़े, किसी तरह की खटास उनके बीच में ना हो। ठीक है, अब एक और बड़ी चीज़ आपको बताती हूँ, अमेरिका चीन पावर गेम क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है। वहीं ये भी चर्चा हम कर सकते हैं कि अमेरिका के इस तरह के बयान के पीछे चीन के साथ पावर गेम भी एक बड़ा कारण इसका हो सकता है, कारणों की हमने बात की है। तो अमेरिका चीन पावर गेम क्या है वो एक बार आपको समझाती हूँ। चीन ये जानता है कि क्वाड का मुख्य देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन नज़र बनाए रखने के लिए किया गया है, ऐसे में संभव है कि वो क्वाड की निंदा करेगा। वहीं दूसरी ओर रूस भी इसे लेकर इतना सहज दिखाई नहीं दे रहा। तो अब दूसरी ओर क्या है कि चीन और रूस भी इसका हिस्सा होने वाले हैं, और अगर चर्चा होती है तो यहाँ पर अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि रूस ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा, चीन भी इस ब्रिक्स का हिस्सा है, तो वो किसी भी प्रकार से दोनों को यहाँ पर कोई मौका देना नहीं चाहता। इसीलिए भारत के समर्थन में ये तरह तरह के बयान अमेरिका की ओर से सामने आ रहे हैं। तो कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि मीडिया में इसकी जो बहुत ज़्यादा चर्चा है वो सिर्फ भारत में है, मतलब भारत ही है जो सबसे ज़्यादा इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। अमेरिका में इसको लेकर ना तो कुछ ज़्यादा बात हो रखी है, ना ही मीडिया में इसको लेकर कुछ बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा है। तो वीडियो के शुरू में मैंने एक बात आपको बताई थी कि अमेरिका में जब प्रधानमंत्री पहुँचे हैं तो उन्होंने कुछ मेगा डील्स करी हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले खैर ये क्वाड वाला मसला मैंने आपको समझा दिया कि क्यों अमेरिका ने इतना बड़ा बयान दिया, तो इस पर फिलहाल इतनी ज़्यादा चर्चा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, या भारत मीडिया में इतनी चर्चा इसकी हो रही है तो मुझे लगता है कि फिलहाल शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने कभी इस पर इतनी चिंता जाहिर की नहीं है, और अभी भी उनका जो बयान सामने आया है कुछ बहुत ज़्यादा जो इसके जानकार हैं, मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है, तो वो ये मानते हैं कि सिर्फ ये बोलने भर के लिए है, ग्राउंड्स में इसकी इतनी सच्चाई नज़र नहीं आती है। तो खाली बोलने भर से तो बात नहीं बनती ना, जब तक कुछ हो नहीं जाता, क्योंकि कथनी और करनी में फ़र्क होता है। तो हमें भी थोड़ा सा, मुझे लगता है, ब्रेक लगाना चाहिए, थोड़ा शांत होना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि आगे क्या होगा। अब मैं आपको बताती हूँ वो मेगा डील्स जो अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, वो मेगा डील्स क्या हैं वो जानना ज़रूरी है, वो फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली मेगा डील जो हुई है वो MQ-9 बी ड्रोन को लेकर हुई है, यानी कि जो चर्चा हुई खासकर वो भारत में सुरक्षा को लेकर हुई है, डिफेंस को लेकर, समुद्र की सुरक्षा को लेकर हुई है, जिसमें MQ-9B को लेकर चर्चा हुई, MQ-9B गार्जियन को लेकर चर्चा हुई है। मैं पॉइंट्स में आपको सारा सा कुछ समझा दूंगी। सबसे पहले नंबर एक, MQ-9B ड्रोन की खरीदारी। पीएम मोदी के साथ बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन भारत की ओर से 31 MQ-9B ड्रोन की खरीदारी के लिए उन्होंने सराहना की। इन एडवांस ड्रोन से भारत की इंटेलिजेंसी, सर्विलांस और रिकोनाइंसेंस यानी कि ISR क्षमताओं में वृद्धि होगी। इनमें 16 ड्रोन स्काई गार्डियन और सी गार्डियन हैं। इस कदम से क्या होगा, सुरक्षा बलों को ताकत मिलेगी, नंबर वन, जिसका मैंने जिक्र किया, ताकत बढ़ेगी, और इसीलिए ये एक अच्छी मेगा डील मानी जा सकती है। दूसरा, सेमीकंडक्टर प्लांट। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलकाता एक नई सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने पर चर्चा की है, जिसका दोनों देशों के बीच नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एडवांस्ड सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेक्स्ट जनरेशन के टेली कम्युनिकेशन और उसी के साथ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर फोकस है। पीएम मोदी ने ये कहा है कि इस कदम से भारत के जो सेमी थर्ड टेक है और US स्पेस फोर्स के बीच जो रणनीतिक टैफ है वो उसमें साझेदारी से इसे सक्षम किया जा सकता है, ये माना जा रहा है। नंबर तीन, एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम का को प्रोडक्शन। दोनों नेताओं ने इंडिया अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन रोडमैप को सराहा है। इस रोडमैप के तहत जेट इंजन, गोला बारूद और ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम जैसे भारी इक्विपमेंट और हथियारों का निर्माण किया जाता है। इस अहम सहयोग में लिक्विड रोबोटिक्स, रोबोटिक्स और भारत के सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मैरिटाइम सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मानव रहित सतही वाहनों के प्रोडक्शन पर भी जोर दिया जाएगा।
ये थी तीसरी मेगा डील। अब चौथी मेगा डील क्या है? MRO इकोसिस्टम, भारत में रक्षा संबंधी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने MRO सेक्टर में भी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवर हीलिंग क्षेत्र में GST की दरों को 5% कर दिया। ये अच्छी खबर है आपके लिए। इस क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों के आने की उम्मीद है। अमेरिकी कंपनियों ने भारत में MRO सेक्टर में बदलाव का वादा किया है। अमेरिकी कंपनियां मानव रहित यान की मरम्मत की सुविधा भारत में विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहती है। नंबर 5, C-130J सुपर हरक्यूलिस एग्रीमेंट। लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए MRO सुविधा स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया। अब ये समझौता ना सिर्फ भारतीय फ्लीट के लिए होगा बल्कि स्पोर्टिव भी इसको माना गया है और इससे एयरक्राफ्ट के ग्लोबल ऑपरेटर्स की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक और मेगा डील की गई है। आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा फैसला इसको माना जा सकता है। पहुँचते आगे नंबर 6 की बात करते हैं। INDUSX के इनोवेशन एंड कोलोबरेशन यानी कि 2023 में शुरू की गई इंडिया UAS डिफेंस एक्सलरेशन इकोसिस्टम ने सरकारों, व्यवसायों, शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है और दोनों नेताओं ने बैठक में इसे और बढ़ाने का वादा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 7 वो आपको बताती हूँ क्या है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और लाइजन ऑफिसर्स। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की ज़रूरतों को समझते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया। सबसे बड़े द्विपक्षीय ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की ओर ये कदम बढ़ाया गया है और ये माना जा रहा है कि इस दिशा में सहयोग को और गहरा करने की ज़रूरत महसूस हुई। इसके अलावा दोनों ही नेताओं ने भारत अमेरिका के बीच लाइजन ऑफिसर तैनात करने के फैसले का भी स्वागत किया है। आखिरी नंबर 8 मेगा डील के आखिरी पड़ाव पर हमें वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर 8 क्या है। साइबर स्पेस डिफेंस कोऑपरेशन। साइबर स्पेस डिफेंस कोऑपरेशन, दोनों नेताओं ने एडवांस डिफेंस क्षेत्र सहित साइबर एंड स्पेस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले साइबर एंगेजमेंट में थ्रेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन पर फोकस रहेगा। इसके अलावा मई 2024 में आयोजित किए गए US इंडिया एडवांस्ड डोमेन्स डिफेंस डील में डिफेंस क्षेत्र में कई बड़े एक्सरसाइजेस पर फोकस था जिससे स्पेस सिक्योरिटी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए ये बड़ी डील्स हुई हैं। हालांकि ये डील्स हमारे देश को कितना फ़ायदा पहुंचाती है देखना रहेगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा करके आते हैं। खैर, ये थी मेरी आज की खास इन्फॉर्मेशन और खास बात ये आपके लिए थी मेरी तरफ से। फिर मिलेंगे, फिर करेंगे खास बात अर्चना कौशल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके मन में क्या चल रहा है। और उसी के साथ फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।